नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने राजस्व एवं संपत्ति कर की जानकारी ली। उन्होंने बकायेदारों से वसूली नहीं होने को लेकर अधिकारियों को कुर्की से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबे समय से टैक्स की राशि नहीं देने वाले बकायेदारों से राशि वसूलने के लिए सीधे कुर्की की कार्यवाही करें। इसके लिए दल का गठन भी आयुक्त ने कर दिया है। कुर्की अभियान की शुरुआत बहुत जल्द सख्ती से की जाएगी और स्पॉट पर जाकर अधिकारी संपत्ति कर एवं अन्य टैक्स की वसूली करेंगे। बकाया राशि को वसूलने के लिए सभी जोन आयुक्त के दल में शामिल किए गए हैं। देखिए, नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में जो वित्तीय वर्ष को छोड़कर जो पूर्व के बकाया राशि होती है जिसको लोग जमा नहीं कर पाते हैं वो बकायेदार कहलाते हैं, और इसी तारतम्य में जो वित्तीय वर्ष पे जो पैसा जमा कर रहे हैं वो तो रनिंग का कंडीशन है, पर उससे पूर्व वाले जितने बकायेदार हैं वो एक प्रकार से जो है बकायेदार श्रेणी में आकर उनको कुर्की वारंट जारी किया जाता है कि आप राशि जमा करें। तो 173, 174, 175 की धारा के तहत में जो है कार्रवाई की जाती है। 175 की धारा में कुर्की वारंट जारी किया जाता है। इसी तरह तब में कुर्की जब वारंट जारी होता है तो उस पर कुर्की की वसूली के लिए जो है वो नियत जो उसके दल के अधिकारी होते हैं वो कुर्की की कार्रवाई के लिए जाते हैं और राशि की वसूली उससे करते हैं, जिसके लिए पानी आयुक्त महोदय ने भी कुर्की दल का गठन कर लिया है। प्रत्येक जोन कमिश्नर और सहायक राजस्व अधिकारी जोन के जो है दल में शामिल हैं। इसके अलावा जितनी भी ऐसी सामग्री होती है जो कुर्की के लिए आवश्यक है, सुपुर्दनामा हो गया, सुपुर्द पत्रक हो गया, सील हो गया, चपड़ा हो गया, ये सारी चीजें जो व्यवस्था के साथ में लेकर जाएंगे। इसके लिए शीघ्र तिथि भी नियत की जाएगी कि कब कुर्की करना है और कब जो है कुर्की से वसूली की राशि वसूलना है, और इससे पूर्व जो है जो बकायेदार उनको सूचना भी दी जाएगी कि भाई ऐसा है कि राशि आप बकायेदार हैं तो आप राशि जमा कर दें। इसके बाद भी नहीं की जाती तो राशि की वसूली कुर्की के माध्यम से की जाए।